आईपीएल 2022 के रिटेंशन प्रोसेस के बाद अब सभी 8 आईपीएल टीमें मेगा ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी। लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले ही अब लगभग ये तय हो चुका है कि सभी 8 टीमें कौन से प्लेयर्स को आखिर मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी, कौन से प्लेयर्स को परचेस करेगी और आईपीएल 2022 के एडिशन में आखिर किस तरीके की हमें सभी 8 टीमों की यहाँ पर प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो में आपको अहमदाबाद और लखनऊ को छोड़कर बाकी सभी 8 टीमों की आपको आईपीएल 2022 के एडिशन की प्लेइंग 11 बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कौन से 4-4 विदेशी प्लेयर आईपीएल 2022 के एडिशन में अब सभी टीमों का भाग होंगे, किस तरीके की प्लेइंग 11 होगी। तो कुल मिलाकर काफी डिटेल्ड, काफी इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए सभी टीमों की प्लेइंग 11 की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों ये वीडियो हमने काफी रिसर्च के बाद बनाई, इसी वजह से आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की टीम की। तो एमआई की टीम के आईपीएल 2022 के एडिशन में जो प्लेइंग 11 रहेगी वहां पर रोहित शर्मा इस टीम के लिए ओपन करेंगे, उनके साथ या तो क्विंटन डिको या फिर जॉनी बेस्टो में से कोई एक ओपन करेगा। जबकि नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर सुरेश अय्यर, नंबर 5 पर काइरोन पोलार्ड, नंबर 6 पर सैम करन, नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक या फिर राहुल त्रिपाठी में से हमें कोई एक दिखेगा। जबकि नंबर 8 पर रवि अश्विन, नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर यहाँ पर जोश हेजलवुड इस टीम का भाग रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 48 करोड़ में एमआई की टीम इन सब प्लेयर्स को परचेस करने में सक्सेसफुल हो, जहाँ पर इस टीम के पास 48 करोड़ का केवल पर्स बैलेंस बचा। इसी वजह से ये टीम यहाँ पर मेगा ऑक्शन में हो सकता है कि विदेशी प्लेयर में ये विदेशी गेंदबाजों में ये टीम केवल जोश हेजलवुड को और आर्चर को परचेस करने में सक्सेसफुल हो। उसके साथ ही रवि अश्विन भी इस टीम को मिल जाएंगे। सैम करन का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा, इसी वजह से सैम करन भी इस टीम को मिल जाएंगे। और सुरेश अय्यर के लिए तो इस टीम ने 12 करोड़ का लगभग बजट तैयार कर रखा है। तो कुछ इस तरीके की इस टीम के आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी ये प्लेइंग 11 लगी है और 10 में से आप कितने नंबर इस प्लेइंग 11 को दोगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर चेन्नई की प्लेइंग 11 की। तो ये तो कंफर्म है कि चेन्नई के लिए गायकवाड़ ओपन करेंगे, उनके साथ शिखर धवन, जबकि नंबर 3 पर मोइन अली खेलेंगे, नंबर 4 पर ईशान किशन को यहां पर इस टीम में एंट्री मिलेगी, नंबर 5 पर नीतीश राणा, नंबर 6 पर कप्तान एमएस धोनी, नंबर 7 पर जेसन होल्डर या फिर जिमी निशम में से कोई एक होगा, जबकि नंबर 8 पर रविंद्र जाडेजा, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर में से कोई एक देखने को मिलेगा, नंबर 10 पर ट्रेंट बोलर, नंबर 11 पर यहां पर युजवेंद्र चहल सीएसके की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, जहां पर इस टीम के पास भी केवल 48 करोड़ का पर्स बैलेंस होने के कारण ज्यादा महंगे प्लेयर को शायद ये टीम परचेज ना कर पाए। धवन इस टीम को इजीली मिल जाएंगे, ईशान किशन पर ये टीम 10-12 करोड़ खर्च कर सकते हैं, नीतीश राणा भी इस टीम को इजीली मिल जाएंगे, होल्डर या फिर निशम भी इस टीम को इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर पर इस टीम को थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, जबकि यूजी चहल पर भी थोड़ा अधिक पैसा खर्च करना होगा, ट्रेंट बोल्ट भी ठीक ठाक प्राइस में इस टीम को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अब चेन्नई के आईपीएल 2022 के एडिशन में प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पिछले आईपीएल एडिशन की फाइनलिस्ट केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम के लिए इनके रिटेन प्लेयर वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे, उनके साथ डेविड वॉर्नर या फिर क्रिस लिन में से कोई एक ओपन करेगा, जबकि नंबर 3 पर हमें इस टीम के पुराने प्लेयर रोबिन उथप्पा देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पर यह टीम स्टीवन स्मिथ को परचेस करेगी, स्टीवन स्मिथ को इस टीम की कप्तानी भी मिल सकती है, नंबर 5 पर वाशिंगटन सुंदर, नंबर 6 पर आंद्रसल, नंबर 7 पर दीपक हुड्डा, नंबर 8 पर सुनील नारे, नंबर 9 पर दीपक चेयर, नंबर 10 पर शिवम मावी और नंबर 11 पर इनके मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से काफी बैलेंस इस टीम की प्लेइंग 11 रहेगी। इस टीम के पास भी यहां पर 48 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा, इसी वजह से इस टीम को भी यहां पर काफी सोच विचार के बाद अपनी प्लेइंग 11 चुननी होगी। इसी वजह से इस तरीके से ये टीम अपनी प्लेइंग 11 यहां पर डिसाइड करेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम के पास काफी बड़ा पर्स बचा, इसी वजह से ये टीम भी जिस प्लेयर को चाहे उस प्लेयर को इजीली परचेस कर सकती है, जहां पर ओपनिंग स्लॉट में ईशान किशन और अंबाती राइडू को ये टीम परचेस करेगी, नंबर 3 पर कप्तान विलियमसन, नंबर 4 पर मार्कस टोनिस इस टीम में आ जाएंगे, जबकि नंबर 5 पर हमें करुण नायर इस टीम में देखने को मिलेंगे, नंबर 6 पर फिनिशर शिमरन एटमायर, नंबर 7 पर इनके रिटेन प्लेयर अब्दुल समद, नंबर 8 पर रवि बिश्नोई, नंबर 9 पर चेतन सकारिया, नंबर 10 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 11 पर उमरान मलिक हमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये टीम मार्कस टोनिस जो कि ऑक्शन में महंगे जाएंगे उनको परचेस कर लेगी, इसके साथ ही हिटमायर को और अगर ईशान किशन यहाँ पर ऑक्शन में यहाँ पर अगर महंगे जाते हैं तो हैदराबाद की टीम इजीली उनको परचेस कर लेगी। तो कुल मिलाकर इस स्क्वाड के बाद
बाद इस टीम में बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा इस टीम में जो पिछले साल फिनिशर की कमी थी वो भी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से ये टीम स्क्वेड या फिर प्लेइंग 11 बिल्ड करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान की टीम की, तो राजस्थान के लिए जोस बटलर जयसवाल ओपन करेंगे, जिनको इस टीम ने रिटेन किया है। जबकि नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन, नंबर 4 पर तरुण नायर रैना में से कोई एक होगा, नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर ड्यून ब्राउ, नंबर 8 पर खजूसर अबाड़ा, नंबर 9 पर यहां पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर कुलदीप यादव, नंबर 11 पर हरप्रीत बरार को ये टीम प्लेइंग 11 में रखेगी। हालांकि हो सकता है कि हरप्रीत बरार को नंबर 7 नंबर 8 पर बल्लेबाजी मिल जाए, जहां पर स्पिन बॉलिंग के साथ काफी अच्छी फिनिशिंग या फिर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की इस तरीके की हमें प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, जहां पर रबाड़ा के रूप में और हर्षल पटेल के रूप में दो यहां पर टॉप क्वालिटी तेज गेंदबाजों को ये टीम परचेस करके यहां पर प्लेइंग 11 में रखेगी। इसके साथ ही ब्राउ के रूप में एक क्वालिटी ऑलराउंडर इस टीम को मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या के पीछे भी ये टीम जा सकती है, बड़ा पर्स होने के कारण हार्दिक पांड्या को भी ये टीम परचेस कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शो, ईशान किशन मोस्ट लाइकली हमें ओपन करते हुए दिख सकते हैं। नंबर 3 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पर केएस भरत को इस टीम में जगह मिलेगी, नंबर 5 पर हमें बेन स्टोक्स इस टीम में दिखेंगे, जबकि नंबर 6 पर यहां पर सरफराज खान को ये टीम मौका देगी, जबकि नंबर 7 पर फिनिशर के तौर पर अब निकोलस पूरन की इस टीम में एंट्री देगी, जबकि नंबर 8 पर इनके रिटेन प्लेयर अक्षर पटेल को यहां पर रखा जाएगा, जबकि नंबर 9 पर पैट कमिंस को, नंबर 10 पर एनरिच नोकिया को, नंबर 11 पर अमित मिश्रा या फिर मयंक मारकंडे में से अब किसी एक को रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अब 47.5 करोड़ के पर्स बैलेंस से कुछ इस तरीके की यहां पर प्लेइंग 11 बिल्ड करेगी। कुछ इस तरीके की प्लेइंग 11 आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब के लिए इनके कप्तान मयंक अग्रवाल, यानी इनके नए कप्तान मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर हमें एडम मार्करन या फिर वेंडर डसन में से कोई एक प्लेयर देखने को मिलेगा। दोनों ही प्लेयर काफी अच्छी फॉर्म में होने के कारण इनमें से एक प्लेयर को ये टीम कंफर्म रूप से परचेस करेगी। नंबर 4 पर जॉनी बेस्ट, नंबर 5 पर रहाणे को भी ये टीम यहां पर परचेस करके प्लेइंग 11 में रख सकती है। नंबर 6 पर सेम करन लिविंगस्टोन में से कोई एक होगा, जबकि नंबर 7 पर यहां पर कृणाल पांड्या को रखा जाएगा, नंबर 8 पर हर्षल पटेल को, नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह को, नंबर 10 पर करण शर्मा को, नंबर 11 पर रबाड़ा या फिर आर्चर या फिर फर्ग्यूसन में से किसी को भी ये टीम रख सकती है। इस टीम के पास सबसे अधिक पर्स बैलेंस होने के कारण ये टीम 1 से 2 तेज गेंदबाजों को परचेस कर सकती है। सबसे तेज गेंदबाजों को यानी सबसे इफेक्टिव तेज गेंदबाजों को ये टीम परचेस कर सकती है। तो कुछ इस तरीके की पंजाब के में आईपीएल 2022 के एडिशन में प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी ये प्लेइंग 11 लगी। अब बात करते हैं एट दी एंड आरसीबी की प्लेइंग 11 की, तो आरसीबी की टीम के लिए विराट कोहली और देवदत्त पाडिकल ओपन करेंगे। पाडिकल को ये टीम रिबाई करेगी। नंबर 3 पर यहां पर डिविलियर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर फैब डुप्लेसी को ये टीम परचेस करेगी। नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर वाशिंगटन सुंदर, नंबर 6 पर रियान पराग, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को ये टीम परचेस कर सकते हैं। नंबर 8 पर रवि अश्विन, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार को, नंबर 10 पर जोश हेजलवुड को, नंबर 11 पर मिचेल स्टार्क को या फिर लोकी फर्ग्यूसन में से किसी एक को अब इस टीम में जगह मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आरसीबी की टीम की भी हमें प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। इस टीम के पास भी ठीक ठाक पर्स बैलेंस होने के कारण ये टीम भी इस तरीके से अब आईपीएल 2022 के सीजन में स्क्वाड या फिर प्लेइंग 11 बिल्ड करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको सभी 8 टीमों में से आखिर कौन सी टीम की प्लेइंग 11 सबसे बढ़िया लगी और आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट टीम की किस तरीके की आखिर प्लेइंग 11 रहनी चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।